This conference will now be recorded. We are today going to talk about teamwork and why teamwork. मैं आपको बता देती हूँ, guys, everybody pay attention here ना. ये सबसे बड़ा problem है जो corporates को लगता है जब interview लेते हैं. Interview के बाद उनको लगता है कि जो problem आता है employees के साथ, और हम काफी सारे sessions भी लेते हैं, हमें समझ में आता है कि nowadays everybody, all the forthcoming employees are comfortable working alone. उनको पूछो कि तुम्हें टीम के साथ काम करना है, तुम्हें अकेले काम करना है, तो बोलते हैं हमको तो अकेले काम करना है. तो भैया अकेले क्या कर लोगे? कैन यू सेट अप एन ऑर्गेनाइजेशन ऑल अलोन? कैन यू बिल्ड अप एन एम्पायर ऑल अलोन? टीम से ही होगा काम. आप बड़ी कॉर्पोरेट सोचो, बड़ी कंपनीज में अकेले आप काम नहीं कर सकते. अकेले काम करना है, पर्सनल प्रैक्टिस चालू कर लो, बी सैटिस्फाइड विद द अमाउंट ऑफ मनी यू आर गेटिंग. बट इफ यू वांट टू मेक इट बिग, यू नीड अ टीम, राइट? टीम परफेक्टली आपके हिसाब से काम नहीं करेंगे. Another problem. People are different. That's a good part about them. कोई जने आपको लगेंगे बहुत lazy है but creative है, इसलिए मुझे वो team में चाहिए. कोई जने बहुत aggressive है but उनमें उतनी creativity नहीं है, system से काम करता है कि भैया ये है, आप मुझे बता दो, बस speed में काम हो जाएगा, पर दिमाग नहीं लगाएंगे, initiative नहीं लेंगे to explore new things, right? तो अब यहाँ पर हमको हर तरह का member चाहिए team में. हमको लेट बैक लोग भी चाहिए जो क्रिएटिव हो, जो इनिशिएटिव लें, और हमें ऐसे लोग भी चाहिए जो काम को एग्जीक्यूट कर दे. सब सोचने वाले होंगे तो काम को एग्जीक्यूट कौन करेगा, इजंट इट, राइट? तो यहाँ पर यही थॉट प्रोसेस के साथ एंड ऑन द बेसिस ऑफ द फीडबैक ऑफ आर एम्प्लॉयर्स, जो हमारे एम्प्लॉयर्स हमको फीडबैक देते हैं कि यार हमने ये 10 एम्प्लॉयज को या 10 कैंडिडेट्स को हमने नहीं रखा. क्यों नहीं रखा? क्योंकि हमें लगा कि ये लोग टीम के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे. So this is why this teamwork wala sessions are the part of your training and grooming, so that you understand that's very important to be a part of it. Okay? Then there is a concept of team leader. Acha, generally jo teams banti hain, usme team leader jo hai, wo banaya nahi jata. Wo automatically ban jata. Aap khud ke friend circle ko imagine karo, aapke groups, aapke friends. Na, koi ek friend aisa hoga jo jo bolta hai wahi plan mil jata. है ना, बाकी सब जने फॉलोवर्स. एक फ्रेंड बोलेगा बारिश हो रही है, अच्छा मौसम हो रहा है, चलो फतेह सागर चलते हैं, ठीक है? ये दिमाग उसका ही खुराफाती चल रहा है, बाकी सब शांति से बैठे हुए पढ़ रहे हैं, लेकिन उसने दिमाग लगाया चलो बंग मारते हैं, ये क्या है, कौन पढ़ेगा इस मौसम में, कौन पढ़ेगा, है ना? और बाकी सब जने स्टूडियस लॉट, भले वो बिल्कुल इच्छा में है कि हमें क्लास अटेंड करनी है, लेकिन उसने बोल दिया इसलिए चलेंगे, तो बाय डिफॉल्ट ही बिकम्स अ टीम लीडर. फिर एक होता है जो डोमिनेटिंग लीडर होता है, ठीक है? अब उस फ्रेंड ने बोला फतेह सागर चलते हैं, दूसरा फ्रेंड बोलता है नहीं भैया आज तो पिछोला ही जाएंगे, मैंने बोल दिया और यही होगा, एंड देन ही गिव्स यू ऑल द जस्टिफिकेशंस. ट्रैफिक होगा, बंद है, मैंने देख लिया, मुझे पता है, और गया नहीं वो, सुबह से कहीं नहीं गया है वो, सुबह से क्या एक हफ्ते से उसने फतेह सागर नहीं देखा है, बट ही विल गिव यू ऑल द जस्टिफिकेशंस कि उधर नहीं जाना है, चलो अपन पिछोला चलेंगे. एंड देन द एंटायर, जो जिसने बेचारे ने इनिशियली आइडिया दिया था और बढ़िया सा आइडिया दिया, वैसे तो आइडिया वो भी बंक करने का ही दे रहा था, पर बढ़िया सा आइडिया दिया था उसने, लेकिन वो बंदा भी कन्विंस हो गया और आप सबके सब निकल लिए पिछोला. सो देयर इज अ डोमिनेंट पर्सनालिटी, ठीक है, जो डोमिनेट करेगा बिना बात, ठीक है? दैट काइंड ऑफ मेंबर्स आर आल्सो देयर इन द टीम एंड यू हैव टू टैकल विद देम. एंड देन देयर आर सम पीपल हु विल से यस टू एवरीथिंग, और अगर आप वो जने हो ना तो आपकी टीम के सारे मेंबर्स बहुत बैंड बजाने वाले. So if you say yes to, कितने जनों की आदत है ना नहीं बोल पाते, है कोई ऐसे जना ना ही नहीं बोल पाते? हाँ जी, जो भी बोलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी. और जैसे तुम्हारे टीम मेंबर्स को समझ में आ गया कि भैया ये तो ना बोल ही नहीं सकती, तो सब जने अपना काम पकड़ा के चले जाएंगे और सब घूम रहे फतेह सागर और सबका होम असाइनमेंट एक बंदा कर, है ना? तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इफ यू वॉन्ट टू बी अ रोल प्लेयर इन द टीम, इट्स इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ बाउंड्रीज. It's important to say no अगर आपको ऐसा लग रहा है, and ये problem है. We are not telling you here to say yes to everything. I'm here to actually tell you and make you understand that it's important to at times say no to everything, right? Not everything, but जो तुम्हारा profile नहीं है, तुम्हारा job profile है ही नहीं marketing देखता, तुम accountant हो, a marketing वाला manager तुम्हें पकड़ा देता है marketing का काम, what do you have to do? Say no. नहीं, दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ माई प्रोफाइल, आई एम नॉट गोना डू इट. पता चला तुमने उसमें काम भी कर लिया, काम गलत किया और डांट भी तुम्हें बॉस से पड़ी, फॉर समथिंग
यू आर डूइंग कॉम्प्लीमेंट्री, है ना, तो यहाँ पे हो जाएगी गड़बड़, तो ये नहीं करना, ठीक है. सो टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट सम टीम टास्क. ओके, वी विल बी गिविंग यू सम क्रिएटिव टास्क एंड वी विल बी अंडरस्टैंडिंग सम रोल प्लेस, ठीक है. सबसे इम्पोर्टेंट, अरे दर्द हो रहा तो मैं क्या करूँ, मेरी तो क्लास चल रही है ना, साइड में बैठे बैठे बोलो. अरे लड़के म्यूट योर माइक. ओके, कमिंग बैक टू दिस, ये बिल्कुल एंटरटेनमेंट फैक्टर बीच में डाल रहे हैं सेशन के, है ना. कमिंग बैक टू दिस गाइस, आई एम लुकिंग फॉर अ टीम लीडर हु हैज द कैपेबिलिटी टू लीड द टीम एंड मैनेज एवरीबॉडी. अच्छा लीडर कौन होता है, सारी टीम को साथ में लेकर चलता है. डोमिनेंट लीडर कोई नहीं ढूंढ रहा, किसी को चाहिए भी नहीं. डोमिनेटिंग लीडर वो होता है जो किसी की बात नहीं सुनता और अपनी चलाता है और जबरदस्ती सबसे काम कराता है. थोड़े समय बाद सब उस लीडर के अंडर से निकल जाएंगे, कोई उस टीम में नहीं रहना चाहेगा. यू डोंट वॉन्ट टू टर्न अप लाइक दैट. हमने देखा है, सो वन ऑफ आर मेजर एम्प्लॉयर कैप्सिटेक, उसकी हैबिट है कि वो टीम्स बनाते हैं और हमारे काफी सारे स्टूडेंट्स टीम लीडर रह चुके हैं. कपल ऑफ देम हैव फेल्ड बैडली ऑल्सो, ठीक है, जहां पर उनकी टीम से सब जने वॉलंटरी बेसिस पे निकल गए. दैट इफ देयर इज एन ऑप्शन kindly tell us the way to change the team and team change karke nikal liye wahan se because the person was acting as a dominant leader, theek hai. It is very important ki ek team leader ye samjhe ki mera jeetne se zyada important hai ki team jeete because eventually we all win together. Socho India Pakistan ke match mein agar Dhoni ye sochne lag jaye ki meri century lagni chahiye, baaki sab jane jo jaye jaye aur wo out hone wale hain, run out hone wale hain, dusre wicket pe chale jate hain, dono batsman bahut baar dekha humne एक ही विकेट पर पहुंच जाता है और उसको दूसरे बैट्समैन को तू आउट हो गया चलो निकलो, बिकॉज़ आई वांटेड टू मेक माय सेंचुरी. जबकि वो बैट्समैन बहुत अच्छे फॉर्म में था, ही कुड हैव मेड द कंट्री विन, लेकिन हमने गड़बड़ कर दी. सो एट टाइम्स इन टीम रोल प्ले एज अ टीम लीडर यू माइट हैव टू कॉम्प्रोमाइज योर पोजीशन ताकि टीम साथ में रहे, ठीक है. आपके पर्सनल गोल्स को आपको बैक एंड में रखना पड़ सकता है, बट दैट्स हाउ यू हैव टू डू. देन वी नीड एन इनिशिएटर, जरूरी नहीं है टीम लीडर ही सब कुछ करे. इनिशिएटर होता है जो पहले क्रिएटिव आइडियाज लेकर आता है, जो इनिशिएट करता है, चलो ऐसा करते हैं, इस डायरेक्शन में जाते हैं, लेट्स कम अप विद दोस आइडियाज, राइट. एंड देन मोस्ट इंपोर्टेंट, वी नीड एग्जीक्यूटर्स. भैया आइडिया आ गया, सब शेख चिल्ली की बातें करो, चलो ऐसे कर लेंगे, फिर ये बिजनेस बना लेंगे, फिर ये करेंगे. करेगा कौन, काम करने वाले लोग भी चाहिए. देन वी नीड एग्जीक्यूटर्स हु कैन एग्जीक्यूट दैट टास्क. सो ए टीम हैज एन इंपॉर्टेंट रोल प्ले, सब जने चाहिए हमको टीम, इस तरह के सब जने चाहिए हमें टीम, राइट. इज देयर एनी अदर पर्सन हुज रिक्वायर्ड एज अ रोल प्लेयर इन द टीम? देन वी नीड अ पीआर, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव. कौन होगा जो बात करेगा, टीम की बात आगे तक रखेगा. तो कुछ जने होते हैं जो सक्सेसफुल अपने करियर में सिर्फ इसलिए होते हैं बिकॉज दे आर वेरी गुड ओरेटर्स. बोलना आता है भैया, बुलवा लो जितना बुलवाना, ठीक है. बहुत जने हमारे तो इधर काफी सारे ओरेटर्स ही है, ओरेटर होने का ही कमार है. तो अगर आपको बोलना आता है और आप बहुत सारा बोल सकते हो, तो ऐसे जने भी चाहिए हमें टीम में कि टीम की बात आगे कौन रखेगा, राइट. टीम की बात आगे रखने के लिए बॉस तक बात रखनी है, टीम को कुछ इंसेंटिव चाहिए, कोई बेनिफिट चाहिए, तो वो कौन करेगा. वी नीड सम ओरेटर्स टू कम्युनिकेट दैट. एंड टुडे वी आर गोना एग्जैक्टली मेजर दोज रोल्स, वी आर गोना अंडरस्टैंड कि आपकी टीम में कौन क्या काम कर सकता है. वी आर लुकिंग फॉर फोर पीपल, टीम लीडर्स, इनिशिएटर्स बोल लें या क्रिएटिव हेड्स बोल लें, ठीक है, एंड देन एग्जीक्यूटर्स एंड द पीआर पीपल, राइट. टास्क इज व्हाट, टास्क इज अ क्रिएटिव टास्क, ठीक है. आप लोगों को सबको चार चार की टीम में बंटना है और चार चार की टीम में बंटने के बाद आपको एक एडवर्टाइजमेंट बनाना है, ठीक है. अब वो एडवर्टाइजमेंट कैसी हो सकती है, योर कॉल, कंप्लीट फ्रीडम. और जितना ज्यादा हम आपको फ्रीडम देंगे उतना कंफ्यूजन होगा और उतनी आपस में आपके मतभेद होगी, विच वी आर गोना रियली एंजॉय, ठीक है. आपके टीम के ऊपर सुपरविजन होंगे, देयर विल बी फ्यू पीपल ऑफ द टीम, पीएससी टीम विल बी सुपरवाइजिंग हु इज डूइंग व्हाट एंड हु इज इनिशिएटिंग व्हाट. एडवर्टाइजमेंट किस प्रोडक्ट की बनानी, तुम्हारी मर्जी, किसी की भी बना सकते हो, चश्मे से लेकर जूते तक की, या फिर कुछ भी आर्बिट्री चीज, पीस भी बेच सकते हो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो बेचना बेचो, राइट. एडवर्टाइजमेंट कैसे बनानी है, अ पीपीटी और मे बी पेपर लेकर कुछ ड्रॉइंग बना ली, और मे बी यू पुट अप एन एक्ट विच कैन बी अ डिस्प्ले एक्ट, तुम्हारी मर्जी. गाना गाना है, कुछ ड्रामा करना है, तुम्हारी मर्जी.
एडवर्टाइजमेंट के डिस्प्ले के लिए तुम्हें कितना समय मिलेगा? एडवर्टाइजमेंट आइडियली 1 मिनट से ऊपर की नहीं होती, राइट? सो यू जस्ट हैव टू प्रिपेयर 1 मिनट का कुछ. अगर इफ यू आर प्रिपेयरिंग काइंड ऑफ अ ड्रामा और अ वीडियो और मे बी अ पीपीटी, 1 or 2 मिनट्स मैक्सिमम एवरी टीम. लेकिन वो 1 or 2 मिनट्स इतने इम्पैक्टफुल होने चाहिए दैट योर कंज्यूमर इज रेडी टू बाय द प्रोडक्ट यू आर टेलिंग टू ट्राइंग टू सेल टू द कंज्यूमर, राइट? 4 पीपल इन एवरी टीम बिकॉज वी वॉन्ट टू अंडरस्टैंड कि उन 4 जनों में से कौन जना होगा जो लीडर का इनिशिएटिव लेगा, सबको रोल असाइन करेगा, कौन क्रिएटिव हेड बनेगा, कौन उसको एग्जीक्यूट करेगा, फाइनली उस एड को सारी ऑडियंस के सामने आके कौन प्रेजेंट करेगा. दैट इज गोना बी अ पीआर हेड, राइट? यू हैव एग्जैक्टली 20 मिनट्स फॉर दिस व्हिच इज मोर देन सफिशिएंट. जो लाइव स्टूडेंट्स है दे कैन यूज द फर्स्ट फ्लोर हॉल, यू कैन बी अमंगस्ट योर ग्रुप एंड मेक श्योर दैट योर आइडिया इज सीक्रेटिव. हाँ, ग्रुप के लिए आपके पास 5 मिनट है, आप अपने 4 लोग सिलेक्ट कर लीजिए. 4 लोग आपने सिलेक्ट कर लीजिए, 4 से कम हो सकते हैं, ठीक है? यू हैव 20 मिनट्स ऑनलाइन स्टूडेंट्स. ओके, रुकिए रुकिए, आधा कंफ्यूजन सिलेक्शन में ही हो जाएगा. 5 मिनट्स यू हैव राइट नाउ टू सिलेक्ट 4 का टीम. जो उठ के निकल जाएंगे वो 4-4 की टीम है, नहीं तो फिर मैं टीम बनाऊंगी. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यू कैन सी अदर पीपल इन द मीट. कैसे कोऑर्डिनेट करना आप डिसाइड करो. ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ओके, वी स्टार्टेड द डिस्कशन ऑलरेडी हियर. दिस कॉन्फ्रेंस विल नाउ बी रिकॉर्डेड. वो आपके अब चुप रहेंगे, सब रिकॉर्डिंग ऑन है. जो कई सालों से काम कर रहे हैं वो प्रो हो चुके हैं इस फील्ड में. दे विल मेक श्योर दैट दे पुट अप अ फेस ऑफ अ फ्रेंड, तुम्हारे से काम निकलवा लें और फिर तुम्हारे को किक आउट करें. ये काउंसलिंग मैं हर साल लेती हूँ ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी प्लेस्ड इन कॉर्पोरेट्स. आपके जो सीनियर्स हैं, जो हमारे एल्यूमिनाई हैं, वो कितनी बार आके मिलने और यही दुखड़ा रो रहे होते हैं कि मैंने तो इसको दोस्त माना, फिर यही हो गया, फिर उसको प्रमोशन मिल गया और मैं रह गया. देन यू आर स्टूपिड. Then you are stupid. There is a fine line between seedha hona aur bekoof hona. Theek hai? You are not there in your company to make friends. You are there to have cordial relationship with everybody. Jab aap kisi corporate mein kaam kar rahe ho, aapke relations sabke saath bahut acche hone chahiye. Personal nahi hone chahiye. Kyunki personal hote hain to samne wala fir leverage le leta hai. Dost kaise hote hain? Yaar mera homework nahi karega yaar, itna nahi kar sakta mere liye. Ye level aana hi nahi chahiye company mein. कि कोई मुझे ऐसा बोल सके, बिकॉज मैंने उतनी दोस्ती रखनी नहीं है किसी के साथ, क्योंकि फिर वो काम को डिस्ट्रैक्ट करती है. आप मेरे को एक सिंपल बात बताओ, जो डॉक्टर्स के बीच में रूल होता है, डॉक्टर कभी भी, सर्जन जो होता है वो कभी भी अपने खानदान वालों की सर्जरी नहीं करता, बिकॉज द एंटायर थिंग बिकम्स डिफरेंट, राइट? बिकॉज आप इमोशनली अटैच हो जाओगे उस चीज के साथ, अपना 100% नहीं दे पाओगे. दिस इज वॉट हैपन इन द जॉब ऑल्सो. यू कैन नॉट afford to get emotional with your company, emotional with your job, or emotional with your colleagues. One thumb rule, do not marry your colleagues also. ठीक है? हाँ, शादी के बाद कोलीग बन गए वो अलग बात है, ठीक है? तो मेरी तरफ पॉइंट आउट मत करना. But do not marry your colleagues, right? This is one thing which is important, you have to understand, okay? So now keeping professional and personal self different, Gajraj, choose a team which you think is going to win. अच्छा, अपना खुद का इंटरेस्ट सोचो, and there is nothing, no harm in doing that. जो आपने अपना इंटरेस्ट ही सोचना है. तुम कोई एनजीओ के लिए काम नहीं कर रहे हो, है ना? तुम पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हो, so you have to think about yourself. मैंने तुम्हें टीम चूज करने के लिए बोले, यहाँ पे वेंचर नहीं चल रहा है, यहाँ पे वर्किंग फॉर अ कंपनी एंड यू कैन गो इन वन टीम ओनली. क्विक गजराज, टीम में नाम किसका लिखूं? अब ये बिन बिनाती मधुमक्खियां, मधुमक्खियों के छत्ते बंद हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए, शांत रहेंगे. गजराज रिकॉर्डिंग है और बच्चों को, ऑनलाइन वालों को कुछ सुनाई नहीं देगा, ठीक है? गजराज टीम चूज करो, जल्दी नाम बताओ. धर्म संकट में क्या टीम बताओ, जल्दी बताओ तुम्हारी टीम के नाम.
Quick, I'll deduct marks from your team then. Jaldi se. Priyal, Suhani, Jayansh. Bas, theek hai. This is team one. Come, give the presentation. जल्दी आइए, टीम वन आ रही है. प्रोडक्ट क्या है तुम्हारा? हाँ बिल्कुल लिख सकते हो. मैं कैमरा ऑन कर रही हूँ सो दैट एवरीबॉडी कैन सी. कैन यू टेक स्क्रीन. हम दिख रहे हैं. कौन दिख रहा है? तो गजराज दिख रहे हैं आपको. या हियर वी हैव द प्रेजेंटेशन. नाउ एवरीबॉडी रिस्पेक्ट फॉर द प्रेजेंटेशन. आपने ध्यान देना है जब दूसरे प्रेजेंटेशन देंगे जब दूसरे प्रेजेंटेशन दे रहे हो ताकि अपनी प्रेजेंटेशन भी कोई सुने. ठीक है? एक ये था कि मतलब एक मेजर बीमारी थी ADHD. सबसे बड़ी बीमारी है 10 स्टूडेंट में है और उनको पता भी नहीं है कि ये सब बहुत सिंपल मतलब इसकी परफॉर्मेंस कर देता हूँ. अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर. मेरे को भी थी, मेरे को पता नहीं. मैंने एक ऑनलाइन टेस्ट किया और डॉक्टर से कंसल्ट किया तो मेरे को पता पड़ा नहीं था. इसका सिंपल दो एक बॉल और एक विजिट. आप कभी भी एनी टाइम कभी भी चेक करता मतलब हाइपर एक्टिविटी की माइंड में यू कैन यूज इट लाइक दिस. और अगर मैं ये होता है कि आपको पता नहीं होता कि काम करते करते कब खत्म होता है यू कैन हैव अ वॉच विद यू. और दोनों का ये है कि अगर मान लो कभी काम करते करते ऐसा हो गया तो आप पहुंचे ये वाली प्रोडक्टिविटी. ये प्रोजेक्ट इतना अच्छा है. मैं इसको लास्ट जब मैं पैदा हुआ था उसके दो साल बाद और ये अभी तक चल रहा है. मम्मी को उस टाइम से पता था कि ये लड़का बीमार है इस पर ये तब से चलती है. किसी को भी अगर पता पड़े कि मैं ये बारी है तो बस वही चीज है. बहुत थैंक यू. Bye.
Okay, so good presentation.
मैं आपको बता दूं कि टोटल टीम वाली टोटल का नाम भी डाल रहा हूं कि टीम का टेक परफेक्ट टेक द प्रोजेक्ट मिनिमम 2.5 ईयर मैक्सिमम
आपके ऊपर डिपेंड करता है आपका ये किसी वेबसाइट पे बोलता 10 साल ही आपके पास स्टडी करने के लिए एक्चुअली शी राइट दैट दैट रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी और फिर उसके बाद आपको दोबारा री रजिस्ट्रेशन चार्ज देना पड़ेगा जो फाइट किया वो वापस मेरा बैंक का पीएफसी से रजिस्ट्रेशन मार्केट पे 10 साल के बाद भी आप बढ़ गए तो पहले तो लाना थे आपको उसके ऊपर भी आप चले गए तो आपको खाली री रजिस्ट्रेशन का अमाउंट भरना तब हम ऑलरेडी स्टडी का बता दें एसीसी के कंपैरेटिव टू सीआर पर जितने पेपर क्लियर है उतने पेपर क्लियर है आगे पेपर दिखाना 8500 री रजिस्ट्रेशन सब्सक्रिप्शन 11000 एनुअल सब्सक्रिप्शन है ताकि आप जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लो 10 साल लगाओ आपको जब रोज दिखेगा हर साल पैसा कट रहा है कट रहा है कट रहा है तो आपको खुद ही शर्म आ जाएगा 10 साल पहले चाय
और किसी ने कोशिश
ऑनलाइन पीपल आर यू रेडी फॉर द प्रेजेंटेशन Thank you.
यार उसको अपनी टीम को ले जा रहा है, वो सपोर्ट कर रही है। तो चलो यहाँ पे चाय वाले का काम चालू। चलो ठीक है, रूफ टॉप चल रही है तो हैंडल कर लेना, ठीक है? चलो आ जाओ तो हमको मिल गए थोड़े बहुत मैनेजर। So we have hands down one winning team, the trio, plus हमारे online वाले कैकशाम still waiting for your presentation for announcement. अब उसमें argue करेगा ये कार्यक्रम वाला not जो है चुपचाप ले लेना, फिर तो वापस ले लूँगी मैं, ठीक है? And then we have prizes for some liberators. So I think probably very good. And then I just like the act you guys have put up. Have some small thing for you. Right? As you all want to buy the town, my email is a big ass family. Or if you want to see it. So, Kekasha, are you sending your presentation, beta? Are you sending your presentation? Send something on WhatsApp. So, okay. आ जाइए विनिंग टीम। मैम दो मिनट में चाहिए। चाय वाला क्विक फॉर द मेडल्स, ठीक है? चाय खत्म करके चुपचाप आ जाओ अभी। यार एक लाइव को मत दिखाओ यार, मैं फिर तो दोनों का टाइम नहीं चाहिए यार। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, गुड। आ जाओ गाइस, बहुत an online Bhumi is sending. Okay, we're waiting for the online presentation. So congratulations. okay, so we have a video presentation. Okay, that's impressive. यार तुमने गजब निकाला यार। Let me check if I am able to open WhatsApp here.
try to open WhatsApp here. Marketing So we have a video presentation from Kekasha team. Kekasha ki team mein kaun kaun hai? Bhumi bhi hai and missing out the name of other people. Kekasha, can you tell me the name of all those who are there? Online coordinate karne ki koshish ki. Chinal, Bhumi, Anisha and Kekasha, which is very good. Commendable ki aapne online try kiya. Just trying to open my WhatsApp. Just give me a minute. You are looking good, don't worry. Everybody could see it, otherwise there's no sense of recording this session. Because baki to screen pe to kuch chal nahi raha tha aur aapki awaaz pe kuch aa hi nahi rahi thi. Oh, thanks to the background madhumakhis. So it's taking a little time for me to download this. Let me see if I'm able to mail it to myself. Once again, we're just opening the presentation. So, pretty mushkil se recording on me if I don't do not stop. Oh, so that's where you learn that you have to save the presentation every time. There was this one time in the office. पूरा दिन सुबह से लेकर शाम तक किया एंड सेव बटन नहीं और लाइट चली गई और उसमें था वो क्या कहते हैं लाइट जाने के बाद भी देयर इज ऑटो सेव ऑप्शन बट नहीं हुआ वो सेव. So that is when I realized that every time you do anything, you have to just keep clicking the save button. So we have this presentation from Anisha, Bhumi, Kekasha, and Chinna. हाँ online है ये जवाब देंगे बिल्कुल जवाब देंगे. सुनाई देगा ये बिल्कुल सुनाई देगा. देखिए do we have a volume? This is the presentation. निकाला लेकिन ओके सो इंटरेस्टिंग You understood the point ki online walon ke liye live presentation dena mushkil ho jayega so you presented a video theek hai baki online jo matlab jo bhi advertising hoti hai usme se aapko marketing content kitni bar online se uthaya jata hai so
So that's okay if you were using the content online marketing. तो क्रिएटिविटी जो यूज किया वो ये कि कौन से वीडियोस उठा के कैसे असेंबल करना है, व्हिच इज गुड इनफ. सवाल सवाल किसके सवाल वापस बता देती हूँ मैं, आज रीड लेट हो रही है. ये वही बात हो गई जसवंत कि तुम्हारी शादी हो रही है, पूछ रहे तुम्हारी शादी हो रही है तुम्हारी बीवी की शादी हो रही है. और भी प्राइम थिंग. अच्छा क्या रही इनको जवाब देने बोलोगे, टीम बदल लिया आपने. हाँ जी सुनिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं जसवंत का सवाल. वन ऑफ यू कैन अनम्यूट योर माइक एंड गो अहेड विद द आंसर. जसवंत का सवाल है क्या पीएससी का प्रमोशन करो कि एसीसी का, वैसे एसीसी के अलावा भी उसने और क्रिएटर्स लगाए थे. जसवंत ये प्रमोशन वो किस चीज का, ये बाकी सब्जेक्ट का नहीं है, एसीसी का सिलेबस खुद है बाकी चीजों का नहीं है. बाकी चीजों को उनके पास होगा नहीं मुझे. ओके क्या कुछ है बड़ा से समथिंग. इफ इट्स एसीसी थिंक पीएससी सो डू, इफ इट्स एसीसी आई थिंक पीएससी दैट्स द टैगलाइन वी हैव. वेरी गुड, थैंक यू कॉपी वेरी. हां दोनों का निकाला बट क्रिएटेड मैम जिनका क्वेश्चन है उनको बोले कि आगे आके पूछे, क्योंकि एक तो पहली बात कि ऑनलाइन कोऑर्डिनेट करना बहुत मुश्किल है, और दूसरा जो बोल रहे कि किसका किस चीज का है ये, किस चीज का एडवर्टाइज कर रहे हैं, तो सामने लिखा है सपोर्टिव फैकल्टी और सैटरडे सेशन स्किल सिर्फ और सिर्फ पीएससी में होता है और कहीं नहीं. क्योंकि आप तो अभी लाइव बैठे हो और उसमें आपस में झगड़े हो, ऑनलाइन वाले ने कैसे कोऑर्डिनेट किया मुझे नहीं पता. और देखो आउट ऑफ सो मेनी स्टूडेंट्स देन देयर आर ओनली 4 पीपल हु आर प्रेजेंटिंग दिस, सो व्हिच इज कमेंडेबल व्हिच इज ऑसम. चारों स्टूडेंट्स मैं बता दूं चारों अलग अलग पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, ठीक है, चारों में से कोई एक दूसरे से मिला भी नहीं है शायद. क्या कहता है यू मेट क्या, एक बॉम्बे में है एक कुवैत में है और एक कहाँ है, बाकी दोनों कहाँ है, एक मुंबई एक कुवैत और एक राजसमंद और एक चिनल, पता नहीं चिनल चिनल भी आसपास ही कहीं है, ठीक है, लेकिन पता नहीं है. So see these people coordinated really well online. कैसे coordinate किया? I'm sure you must have coordinated on phone and all. ठीक है, which is commendable. And then उसके बाद edit किसने किया video को? Idea किसका था? Idea मेरा और हनीशा का था and भूमि ने जो है क्या बोलते हैं edit करा add करा और चिनल ने sequence बताया था कि किस तरीके से क्या चलेगा. Perfect. Good teamwork. You guys can pick up your medals when you come next to PFC, right? Maybe exam ke time pe, par ke paper pe. Theek hai? So good, commendable job, great work everybody. Awesome efforts put in. Ek cheez agar tumne note kiya puri session mein, har team mein ek front face hota hai, hai na? Har team mein ek front face hota hai. Aur wo front face jo notice mein aata hai, utna shayad baki jane notice mein nahi aata. Jaise kisi movie mein, shayad achhi script के कारण पिक्चर हिट हुई हो,
लेकिन लोग यहाँ हीरो हीरोइन को रखते है ना, तो यहाँ पर यू नीड टू मेक श्योर दैट यू टेक दैट इनिशिएटिव ऑफ बीइंग द फ्रंट फेस. जैसे भव्यांशा की टीम, If Kajra dropped out, you should have taken, somebody should have taken initiative. ठीक है कोई नहीं, मैं present करूँ, right? I understand that takes a lot of courage to be upfront, वहाँ पे public को face करना, भले चार जने उनके सामने भी कुछ बोलना becomes very very difficult. But you have to understand कि अगर पैसा कमाना है, तो इसके अलावा कोई option नहीं है. Check, understand people who are earning lot of money. ठीक है, वो सब वही हैं जो अच्छे ओरेटर्स, जिनके पास पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स है. ऐसा कुछ नहीं है, अनटिल आप साइंटिस्ट हो, बहुत बड़े सर्जन हो, जिसका काम बंद दीवारों में ही हो रहा हो, तब तक वो एक एक्सेप्शनल लॉट है. ठीक है, अदरवाइज द फील्ड वी आर इन, वी टू मेक मनी वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर गुड ओरेटर्स. तुमको क्लाइंट पकड़ के लाना है, तुम्हारा क्लाइंट को कन्विंस करना है कि अपना पूरा अकाउंट वर्क, अपना टैक्सेशन वर्क तुम्हें दे, तो बोलना तो आना चाहिए भाई. तुम बोल ही नहीं पा रहे उससे, तो कैसे कन्विंस होगा. तुम्हें इंटरव्यू क्रैक करना है, तो वापस इंटरव्यू में भी बोलना आना चाहिए. हाउ विल यू आर सेलिंग योरसेल्फ इन द इंटरव्यू, यू आर सेलिंग द आवर्स ऑफ योर डे इन द इंटरव्यू. यू हैव टू कन्विंस द अदर पर्सन, भैया मेरा वर्थ उतना है, तुम्हें मुझे उतना दे दो. पर अपन तो बोल ही नहीं पा रहे, तो कैसे करें. सो ऑल दीस सैटरडे सेशंस टिल सितंबर. एक तो आई एम सो सॉरी टू इन्फॉर्म यू that we have postponed our trip, क्योंकि हमारे एक हफ्ता पूरा lose हो गया because of the curfew and all in Udaipur, and we have to finish the syllabus in time. We cannot prioritize a trip over our exam the results. But September 2nd week, once we are done with the papers, first second week papers चलेंगे, उसके तुरंत बाद we'll be heading for a trip. Details and all आपको अभी आ जाएंगे. Now we have to keep September month in mind, क्योंकि trip हम plan कर रहे थे monsoon के हिसाब से, सेप्टेम्बर के हिसाब से प्लान करेंगे. सो वी हैव मोर ऑप्शंस, वी कैन एक्सप्लोर मोर ऑप्शंस. हम काफी सारे ऑप्शंस कट डाउन कर रहे थे, तो मानसून में काफी जगह पर बस के थ्रू नहीं जा सकते, बिकम्स लिटिल रिस्की. बट सेप्टेम्बर आई थिंक वी कैन एक्सप्लोर मोर प्लेसेस. सो यू विल गेट एन अपडेट ऑन दैट, द बजट एंड एवरीथिंग प्रीटी सून. अभी वी आर गोइंग ऑन अ ट्रिप फॉर श्योर. एक इंपॉर्टेंट चीज, सेप्टेम्बर तक जो हमारे सैटरडे सेशंस चलेंगे, दोज आर गोना बी ग्रुप टास्क बेस्ड सेशंस, बिकॉज This month we are talking about teamwork and oratorship skills, right? I want you all to be present physically. अगर आप उदयपुर में हैं तो, because you understand the difference, the activeness of online and offline students is big difference. आपको effort लगा के आना पड़ेगा. इस चक्कर में Saturday को हम classes भी रखेंगे, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि आप सिर्फ session के लिए आ रहे हो. You should not be feeling भैया मेहनत लग रही है बहुत ज्यादा. तो ठीक है, दो दो घंटे की क्लासेस सैटरडे को रखेंगे, ताकि आप उसे मिस ही ना करो, और मिस नहीं करोगे तो आओगे और सेशन अटेंड करोगे. बी एक्टिव इन द सेशंस. वी विल एट द एंड ऑफ ऑल द सेशंस अनाउंस अ स्पेशल प्राइज फॉर द बेस्ट ओरेटर. ठीक है, एंड द बेस्ट ओरेटर हु इज कंसिस्टेंट इन ऑल द सेशंस एंड हु इज कंसिस्टेंटली द बेस्ट ओरेटर, द वन हु कलेक्ट्स मैक्सिमम नंबर ऑफ मेडल्स एट द एंड ऑफ दैट गेट्स अ 5000 रुपीस द स्कॉलरशिप फॉर द नेक्स्ट कोर्स. ठीक है, डन. सो मेक श्योर दैट यू आर पार्ट ऑफ ऑल द सेशंस. थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय. आज ही कंसिस्टेंट होना चाहिए, मैक्सिमम मेडल कलेक्शन होना चाहिए.